राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। राजस्थान के मेरे 25 साल की कमाई, जिसमें ये प्यार आपने इस हल्के से धागे के साथ बांधने का काम किया है, अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान के घर में देर तो है, परंतु क्या ये बीजेपी नेतृत्व को संकेत देने वाला शक्ति प्रदर्शन था, या ये राजस्थान चुनाव से पहले खुद की राजनीतिक जमीन की मजबूती आंकने की कवायद भर थी? महिला शक्ति। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं के दरमियान 11 दिन तक दिल्ली डेरा डाले रही वसुंधरा राजे जयपुर पहुंची तो सबसे पहले महिलाओं को अपनी शक्ति मानकर उन्होंने ताकत दिखा दी। कृष्ण जी ने वो सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पे उठाया था तो उंगली कट गई थी, याद है, तब खून बहने लगा। तो उस खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी को चीर करके और उसको बांधने का काम किया कि खून रुक जाए, तो खून रुक गया। उन्होंने उनको वर दिया, उन्होंने ये कहा, मैं वर देता हूं तुमको कि जब भी तुमको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुम मेरी याद करना और मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। जब वो कौरवों से घिर गई थी और जब वो उसके साथ बदसलूकी करने लगे थे, ऐसे समय में उनके बीच में घिर के भगवान आंख बंद करके भगवान की याद उसने की और उसने कहा कि हे कृष्ण, अब ये है समय, अगर अभी नहीं बचाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ आज के दिन कि हम लोग सबको ये ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, याद रखो कि भगवान के घर में देर तो है परंतु। बीजेपी की चार परिवर्तन यात्राओं के समापन के मद्देनजर 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनावी रैली करेंगे। इस रैली में ये संकेत मिल सकते हैं कि राजस्थान के चुनाव में दो बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्या सोच रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की रैली से पहले वसुंधरा ने अपने आवास पर राजस्थान के कोने कोने से आई महिलाओं से रक्षा सूत्र बंधवा कर ये जता दिया कि राज्य की राजनीति में ना वो चूकी हैं ना झुकी हैं। एक बार फिर से वसुंधरा राजे, क्या खास बात है ऐसी? क्योंकि वसुंधरा राजे ने आज तक जो संभाल रखा था सीएम, आज जो अशोक गहलोत है उसने कभी ऐसे संभाला नहीं। हम चाहते हैं हमारी पीएम सीएम हमारी वसुंधरा राजे ही हो, वो उनको ही चेहरा होना चाहिए, वो आएंगी तभी जीतेंगे। तभी जीतेंगे, नारी शक्ति जिंदाबाद। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लगा। क्या फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहती है? देखना चाहते हैं हम इनको। तो पार्टी को क्या कहेंगे, उनको चेहरा बनाए? उन्हीं को बैठाना चाहिए कुर्सी पे। 3 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, 4 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और 5 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वसुंधरा राजे ने बीजेपी की अलग अलग परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत तो की, लेकिन इसके बाद राजस्थान की अलग अलग विधानसभाओं में गई इन परिवर्तन रैलियों से वो नदारद रही। यहाँ तक कि जब एक परिवर्तन यात्रा उनके गृह जिले झालावाड़ तक पहुंची तो भी वो मौजूद नहीं थी। इसी के चलते जहां एक ओर वसुंधरा की नाराजगी के कयास लगने शुरू हुए, उधर मानो कांग्रेस को मौका मिल गया कि वो बता सके राजस्थान में बीजेपी आपस में ही बटी हुई है। मैं वसुंधरा जी के लिए ज्यादा क्या बोलूं, वैसे ही उनको उपेक्षित कर रखा है, पार्टी में दरकिनार कर रखा है, उनके साथ में अत्याचार अन्याय कर रहे हैं ये लोग बाग, जिसने 2 बार राजस्थान में कमल खिलाया, सरकार बनाई, उनकी इस तरीके से तिरस्कार करना, इस तरीके से मैं समझता हूं कि उनको साइडलाइन करना, हो सकता है बीजेपी की पॉलिसी हो, मैं नहीं कहना चाहता, ये इसी नीति पे, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने की जो पॉलिसी थी वही इनमें है, फूट डालो राज करो, कभी राठौड़ जी को आगे, कभी गजेंद्र जी को, कभी बिरला जी के दौरे, और आजकल तो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी खूब दौरे कर रहे हैं। बीजेपी में बिखराव है, बीजेपी एकजुट नहीं है, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में, बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं में सिर्फ नाम करने को शामिल हुई वसुंधरा राजे को लेकर कांग्रेस ने इसलिए भी सियासी बयान देने शुरू किए क्योंकि बीजेपी के कुछ फैसले ऐसे लग रहे हैं मानो उन्हें राजस्थान बीजेपी की पॉलिटिक्स से दूर छिटकाया जा रहा है। पहले 29 जुलाई को वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया।
इसके बाद 17 अगस्त को राजस्थान के लिए घोषित बीजेपी की चुनाव मैनेजमेंट कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी में न तो वसुंधरा को जगह मिली न ही उनके किसी समर्थक को। लेकिन ये बात भी सही है कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता है जिनकी पहुंच राजस्थान के कोने कोने में है। वो एक जन नेता है जिनकी पकड़ जनता के बीच है। उनका महिला होना भी महिला आरक्षण वाली पॉलिटिक्स के बीच वसुंधरा के पक्ष में जाता है। वसुंधरा ने जयपुर में अपनी धमक दिखाने के लिए मौजूदा राजनीति की इसी नब्ज को पकड़ा और दिल्ली से लौटते ही रक्षा सूत्र बंधन अभियान का कार्यक्रम रखा। लेकिन वसुंधरा के इन सियासी संकेतों के बावजूद राजस्थान बीजेपी प्रधानमंत्री की रैली से पहले ये दिखाने में जुटी है कि उनके यहाँ पूरी तरह से एकता है और वसुंधरा को लेकर कांग्रेस के बयान सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट भर हैं। आदरणीय वसुंधरा जी, पार्टी की राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष हैं, हर कार्यक्रम में सहभागी बनती है, हर कार्यक्रम में भाग लेती हैं। उनको अपना घर देखना चाहिए कि उनके अपने विधायक मंत्री कैसे हालात कर रहे हैं, इनकी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। कोई मुंडन करा रहा है, कोई इनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है कि सरकार में महिला विधायक सुरक्षित नहीं है, कोई मंत्री कह रहा है कि ये सारे दुष्कर्मी हैं। इनको अपना घर देखना चाहिए और ये डरे हुए हैं सब। सुंदरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारी नेता है और नेता रहेगी। वो अपने गिरेबा में झांक के देख लेना। उनके मल्लिकार्जुन तो कहते हैं और उनके राष्ट्रीय महामंत्री आकर कहते हैं कि इस बार भारतीय कांग्रेस पार्टी बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी, और गहलोत साहब कहते हैं मेरा चेहरा सबसे सुंदर है। वो अपनी आप बात को देख लेना कि राहुल गांधी की बैठकों और बड़ी बैठकों के अलावा कितनी बैठकों में सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ साथ रहते हैं, वो उस बात को भी देख लें। राजस्थान बीजेपी में जिन नेताओं को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है, उनका भी मीडिया के सामने यही कहना है कि कांग्रेस वसुंधरा को लेकर झूठ फैला रही है। नाराज क्यों हो गए? किसने कहा? अरे कांग्रेस वालों को काम ही ये कहना है। कांग्रेस वाले ये नहीं कहेंगे तो वो कैसे गुमराह करेंगे राजस्थान प्रदेश को? वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारी पार्टी का ये आंतरिक मामला, हम जाने, हमारे नेता जाने, उनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि परिवर्तन यात्राओं में, भैया उनका देखिए, अब वो विपक्षी है तो वो कोई हमें लड्डू थोड़ी देंगे, वो आरोप भी लगाएंगे, लगाने दो। पर ये मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जनता ने मानस बना लिया है और 150 से ज्यादा सीटों पर हम लोग जीतेंगे। वसुंधरा राजे के नेतृत्व को लेकर भले ही बीजेपी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह पा रही है, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता बयान दे रहे हैं उनके मुताबिक सत्ता पक्ष जो राजनीतिक टिप्पणियां राजे को लेकर कर रहा है वो महज एक सियासी चाल भर है। उनका कहना है कि वसुंधरा राजे दिल्ली अपनी पुत्र वधू के स्वास्थ्य कारणों की वजह से गई थी, न कि सियासी कारणों की वजह से। 2018 के चुनाव में वसुंधरा राजे के खिलाफ नाराजगी के सुर सुनाई पड़े थे और कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही बीजेपी की हार की बड़ी वजह थी। लेकिन अब की बार बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भुनाना चाहती है। लेकिन बीजेपी के कैंपेन पर वसुंधरा राजे के रुख के असर से इनकार नहीं किया जा सकता। वो एक्टिव कैंपेन करें या ना करें, लेकिन उनकी नाराजगी भारी पड़ सकती है। इसीलिए वसुंधरा को लेकर बीजेपी नेतृत्व ने अब तक पत्ते नहीं खोले। वसुंधरा राजे कई वर्षों तक राजस्थान की बीजेपी में सबसे बड़ी नेता रही हैं, लेकिन बीते कुछ समय में दूसरे नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने आगे बढ़ाया, जिससे ये स्थिति नहीं रही। सतीश पुनिया को जब राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था तो आरोपों के मुताबिक उन्होंने वसुंधरा समर्थकों को संगठन में कमजोर किया, लिहाजा वसुंधरा राजे नाराज हुई। शायद इसीलिए सतीश पुनिया को हटाकर कुछ महीनों पहले सीपी जोशी को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी गई। लेकिन राजस्थान बीजेपी की खटपट पूरी तरह से दूर हुई ऐसी संभावना कम ही है। हालांकि वसुंधरा राजे खुद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल रखने की कोशिशें जरूर करती दिख रही हैं, जबकि 2018 में इन्हीं वसुंधरा राजे की केंद्रीय नेतृत्व से भी दूरी दिखती थी। धन्यवाद देना है हम सब सबकी ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारी कठिनाई, हमारी मुसीबत इस चीज को समझते हुए महिला आरक्षण का बिल हम लोगों का पास करके आज हम लोगों को उस रास्ते पे खड़ा कर दिया है, जिस रास्ते के ऊपर खड़े होकर हमारी जिंदगी आगे संवरने की स्थिति में हो जाएगी। 25 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में रैली करेंगे तो यहां से कांग्रेस को तो राजनीतिक संदेश मिलेगा, राजस्थान बीजेपी का वसुंधरा फैक्टर भी खुलकर सामने आ सकता है। भवन पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ, नवभारत, जयपुर, राजस्थान।